बैंक में सेंधमारी कर बैंक के लॉकरों से करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी करने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करने हरियाणा पुलिस पहुंची मुंगेर जिला अंतर्गत हवेली करापुर थाना, जहां से चोरी के जेवरात खरीदने के मामले में एक स्वर्णकाल को किया गिरफ्तार। दरअसल हरियाणा राज्य के अम्बाला जिला के बलदेव नगर थाना क्षेत्र में अवस्थित कोऑपरेटिव बैंक में 25 सितंबर 2023 को चोरों ने सेंधमारी कर बैंक के अंदर 32 लॉकरों को कटरा से काट कर लगभग 8 करोड़ मूल्य के जेवरात की चोरी कर ली थी, जिसके बाद बैंक प्रबंधन के द्वारा बलदेव नगर थाना में मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद जांच में पता चला कि बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत असरगंज और खड़गपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद कुछ दिन पूर्व हरियाणा पुलिस ने असरगंज पहुंचकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आरोपी के निशानदेही के आधार पर पुनः हरियाणा पुलिस बलदेव नगर थाना के एसआई बलकार सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम मुंगेर के हवेली करापुर थाना क्षेत्र पहुंचे। मुंगेर पुलिस की मदद से मुजफ्फरगंज इलाके के जेवर दुकान मालिक को गिरफ्तार किया, जिसने अपराधियों से जेवरात खरीदा था। उन अपराधियों को मुंगेर न्यायालय से रिमांड लेकर हरियाणा पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं हरियाणा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस पुनः मुंगेर आएगी। सिरसा में थे हम 4-5 महीने तक, भैया थे एयरफोर्स में, उनकी पोस्टिंग वही होगा। उसमें सेंधमारी करी ना, चलिए।